अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शमा। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज है हमारे घर में कुरान खानी, जो कि हम फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। और आज है मेरे बेटे का खतना, तो अभी कुरान खानी हो जाएगी, उसके बाद फिर जाएंगे खतना के लिए। तो यहाँ पे सुनने के लिए पैकेट हम लोगों ने बना दिया लड्डू का, बाकी अभी चल रहा है थोड़ी सी साफ सफाई, मीन्स थोड़ा सा सेट वेट कर ले रहा है। और यार हमका दूध बनाना थोड़ा सा उबाल जिसको, तो व्लॉग में पूरा बने रहिएगा एंड तक का जरूर देखिएगा। पसंद आ जाए थोड़ा भी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कीजिएगा। और मैं बता दूँ, डालीगंज का मेला लग चुका है, बट अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, 15 के बाद जाइएगा तो प्रॉपर मेला सेटअप होगा, क्योंकि अभी जब देखा था एक दो दिन पहले तो वो अभी सेटिंग चल रही है। फिलहाल के लिए आपको कोई महोत्सव देखना है तो आशियाने में स्मृति भवन में लग चुका है, बंगला बाजार में हाथ सिल्क महोत्सव, जो अभी हम भी विजिट नहीं कर पाए, इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी विजिट करेंगे। तो जो लोग अभी नहीं किए तो जाइए फटाफट वहाँ विजिट के लिए, बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा। 28 स्टेट की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलने वाली हैं, तो जाइए लीजिए देखिए और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम विजिट करेंगे तो आप लोग को तो जाहिर सी बात है देखने को घूमने को मिलने वाला ही है। और बस तो चलिए स्टार्ट हो चुका है व्लॉग, बने रहिएगा एंड तक का, देखिएगा ज़रूर। और जो लोग ऐसा बोलते ना कि आपके व्लॉग देखते हैं या किसकी मदर देखते हैं, या लोग जो लोग मेरे व्लॉग को बहुत पसंद करते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बस तो ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए, है ना, बहुत आगे तक व्लॉग उस शमा को ले जाइए जल्दी से। चलिए स्टार्ट हो चुका है, बने रहिएगा, अभी थोड़ी सी साफ सफाई जल्दी से कर लें। कुरान खानी कराने का पहले यहाँ पे था तो सोफ़ा वोफा हटाना होता, बट मेरी जो फ्रिज है ना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसमें आगे से पानी बहने लग रहा है, पता नहीं क्यों पीछे से नहीं निकल रहा है। तो अभी आप पीछे सूर्य बकरा चल रहा है तो वहाँ पे नहीं कराएंगे, वहाँ पे नहीं करा रहे, अभी मम्मी की रूम में करा रहे, तो थोड़ा सा देख सकते हो आप कैसा फैला फैला सा हुआ है सब कुछ, तो जल्दी जल्दी से सही कर लेते हैं, क्योंकि 9:30 तक बोला है तो 8:30 बज गया है, टाइम से पहले सब सेट हो जाए और है ना, तो जल्दी जल्दी इसको सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही कर दिया है, पिलो वगैरह हटा दिए ताकि बच्चे अच्छे से बैठ जाए, और इधर में ये वाला भी सोफ़ा इधर के साइड में घुमा दिया है, तो ये पूरा सही कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोल रही थी कि हाफिज़ जी बच्चों को लेकर आ गए हैं और यहाँ पे बच्चे सारे पारा पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे आए थे हाफिज़ जी को लेकर के, और यहाँ पे मम्मी भी पारा पढ़ी थी और यहाँ पे मैंने भी पढ़वाया था। उसके बाद पारा पढ़ने के बाद में यहाँ पे चाय और नाश्ता वगैरह चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ के चले गए। आफ्ताब अहमद कमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कुरान खानी कराई, फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? बहुत दिल की सुकून लग रहा है, ऐसा कि क्या हमने रोशनी उधर से आ रही है, कितना अल्लाह ताला की मतलब बेहतरीन काम हुआ है कि इंशाल्लाह घर में जो भी चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें होंगी सब खत्म हो जाएगी। हाँ, जो अभी तक हम लोग के काम में अल्लाह ताला से दुआ की जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब दूर हो जाए, पहली बार कराया इंशाल्लाह, बस हर चीज़ बेहतर रखें तो हर साल कराने का इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। तो चलिए अभी बस बच्चे भी अच्छे थे, सबने अच्छा हो, हाफिज़ जी भी बहुत अच्छे थे, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव तेज थे पढ़ने में, बहुत तेजी से पढ़े ना, फुल हैबिट। और अब है सेकंड नंबर, और हमका खतना, खतने के लिए जाना है अब, बस जल्दी से खाना खाएंगे, हम तो देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, हम स्किन कटती भी नहीं देख सकते, तो अब हम लोग जल्दी से खाना खाएंगे और निकलेंगे। तो और हम रेडी हो गए हैं, अभी इनको पता नहीं है, अब ये सोच रहे हैं हम घूमने जा रहे हैं, गुस्सा क्या कर रहे हो, हम कुछ कह रहे हैं क्या, और दिल पे पत्थर रख के पहने हैं जैकेट, और देख लो आईज पिट्टी खाओगे भी कस के,
चलो सब बोल कौन रहा है जिसका खुद भी किलो हो जाएगा। चलो तो हम लोग तैयार हो गए, दिल पे पत्थर रख के हम लोग भी जा रहे हैं। चलो चोंदू देखो आप कम करो। अरे तो रख रहे हैं तो ऐसे क्यों है, पेट हम अपने और हम अपना खतना करवा के यहाँ पे आ चुके हैं और लेटे हैं। शमा वहाँ पे एकदम बेहोशी में हो रही थी कि यहाँ वीडियो ले लें, तो वहाँ पे बेहोश हो रही थी तो उन्होंने वीडियो वहाँ लिया ही नहीं, तो हमने कहा चल यहीं पे आ गई तो यहीं ले लीजिए। देखिए बेचारा एकदम सहम गया, अच्छे से हो गया माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ठीक है, दवा सब दी है, अभी आज इनको पूरा देखभाल रखना है कि पैर टच ना हो, और कल सुबह से इनके तेल लगाना है ताकि जल्दी ठीक हो जाए, कल से फिर चलने लगेंगे। चलिए आगे आपको इनका हालात आगे पता चलता रहेगा कि अभी ठीक है क्या है। नहीं इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, दुआ करें जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और बस दवा पी लिए हैं और फिर रात को पियेंगे, फिर कल सुबह दोपहर रात की दवा है बस, और मंडे को इनका ड्रेसिंग ओपन हो जाएगा बस। फ्री मेरा बेबी है ना, और फ्रेंड्स जब से हमको हम सोचे थे खतना करा के आएंगे तो उनका मतलब जाएंगे तो वहाँ की थोड़ा सा क्लिप लेंगे, बट यहाँ तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत तो खस्ता हो गई थी। नीचे खाला और भाई लोग गए थे, वो लोग संभाले थे और हमको माशाल्लाह से हम उनको लग भी गए थे, तो जो है ना शिबू भाई ने बहुत अच्छे से संभाला था। आफ्ताब तो बिल्कुल नहीं देख पाए थे और हम तो बाहर खाना के साथ बैठे थे बिल्कुल। वेट हाँ यार हम यहाँ पे अभी ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि रात भर के लिए थोड़ा सा केयर करना है और उसके बाद नेक्स्ट डे से ये चल सकते हैं। थर्ड डे इनकी ड्रेसिंग ओपन हो जाएगी बस, ठीक है ना। बहुत टाइम से आप टाइम टल रहा था, अब तब कैसे घूमे थे जब ये इनका हो रहा था, ऐसे तुरंत घूमे। हम लोग का तो भैया हम लोग दोनों जाते ना तो अपने हम लोग तो ना करा पाते अगर भाई लोग नहीं जाते तो। बेबू चाहिए आपको, बेबू इनकी पीलो हम लिए थे तो इनको थोड़ा सा मसला हो रहा था। वेट तो अभी जो है कि ये अभी हम लोग का डिनर 10:30 होने वाला है तो थोड़ा सा डिनर कर लेते। दवा इनको खिला दिया है और दोपहर की भी खा लिए थे, अभी भी खा लिए तो आराम हो जाएगा। बच्चा मेरा अभी ठीक है, पसीना हो रहा है। क्या हुआ, पंखा चलाते हैं? नहीं नुकसान करेगा, तो अभी हम लोग लंच कर ले डिनर कर लेते हैं। और आज मम्मी पहनी न्यू सूट, ठीक है ना। तो अभी अरहम बेबो पे सोएंगे, तो अरहम ने अभी बोला कि मम्मा ब्लॉग मतलब मम्मा व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग बना लीजिए है ना। नो टच डैडी। तो फ्रेंड्स अरहम अल्हम्दुलिल्लाह अभी सो गए हैं, दवा खा लिए थोड़ा सा, 2-3 दिन वाला रोटी खा लिए अभी सो गए हैं। और इनको मतलब अभी नींद में भी है कि मम्मा डैडी ऑफिस की चाबी लेने गए बेचारे, उतने देर में एकदम मतलब ये है कि हाँ मम्मा डैडी नज़र के सामने रहे है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लियो, क्योंकि रात भर जगना है बेबी को लेके इनकी केयर के लिए, तो अभी हम लोग लियो देख रहे हैं, अभी आप सब बिग बॉस देखेंगे। तो फ्रेंड्स कल का व्लॉग ही अभी आज भी कंटिन्यू है। और आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो आज है मिलाद शरीफ 2 बजे का, तो 1 बज चुका है, तो सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अरहम ठीक है, अब डैडी उनके उनको चंपू बना दिए हैं फिर। अरहम हाय कर दो, हाय नहीं तो। और मम्मी खाना आधा फ्रेश हो चुकी हैं, मम्मी को
तो ठीक है, अभी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है आज, मतलब वही कल वाला व्लॉग ही आज भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज ही हमारे घर में मिलाज शरीफ, तो अभी एक ही घंटा बचा हुआ, रात भर हम लोग सो नहीं पाए बिल्कुल, कोई नहीं, ना मम्मी, ना हम, ना आफ्ताब, कोई नहीं। और अगर हम भी जो है कि सोए क्या थे, ये हल्का सा आफ्ताब छोटी छोटी किस्त भर रहे थे आफ्ताब, हाँ ये थोड़ा छोटी किस्त भर रहे थे नींद की। हाँ हम तो बैठे बैठे मेरी कमर की जो हालत हुई है ना लुलू, नहीं कह रहा है नहीं। तो चलिए अभी टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक घंटा बचा है, फटाफट निपटा लेते हैं। ओफो ये इतना स्टाइलिश बच्चा, माशाल्लाह, स्टाइल में कमी ना हो, है ना बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलाज शरीफ हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, इस रूम में हो रही है मम्मी वाले में, तो मैं एक क्लिप दिखा दूँगी। आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा तभी आप दुनिया में पर ये सुभान अल्लाह अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना मुहम्मदिन वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का मिलाद शरीफ कंप्लीट हो गया, और मम्मी से रिव्यू लेते हैं। आप मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तबीयत खुश हो गई एकदम से आज। कितना अच्छा पढ़ी थी ना, बहुत अच्छा पढ़ी है, बेइंतहा अच्छा पढ़ी है, जो पढ़ने आई थी ना बहुत अच्छा पढ़ी है। और अभी सब लोग गए हैं, और सब लोग जितने लोगों के यहाँ गए थे बुलाए थे, पहली बार कराया था यहाँ पे, तो पहली बार था सब लोग आए थे, सब लोग आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैर ब्लैंड जो सब लोग आए, अभी नए नए हम लोग घर में छोटी इतनी बड़ी सी थी, उसको लेके 15 लोग थे था। अच्छा, तो सब लोग आए थे, ये भी बड़ा अच्छा लगा। और नीचे जो खाला है वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भी नहीं हर चीज़ में। और अभी अरहम सो रहे हैं, आफ्ताब उनके पास है, और अभी थोड़ा हम भी रिलैक्स करते हैं, मगरिब की अज़ान भी हो गई है। अभी देखिए शमा मूंगफली खा रही हैं, कोई और खेल के नहीं दे सकता हमको, सादा जीवन उच्च विचार, दाल चावल बन रहा है आज बस। आज है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच, और शायद बारिश के कारण अभी रुका हुआ है। हाँ अभी बारिश हो रही इसलिए रुका हुआ है। और ये हमारे साहबजादे अपने मोबाइल और अपने दूध में लगे हुए हैं, नीनी इनको अपना इनका कार्टून दिखा रही हैं और कह रही कि मेरा हाथ दुख रहा है, इनका स्टैंड बना दो। हाँ डैडी शुशु, शुशु आ गई, चलिए अब इनको शुशु करा दें इनको।